Love and Lost, Divorce, Kiss. ये देखिए जी, ये आपके आगे है हाजर इमाम के एयर होस्टेस के साथ इनका अफेयर था. दी आगा खान अलेज्ड अफेयर विद एन एयर होस्टेस एंड दी 75 मिलियन डाइवोर्स सेटलमेंट. ये स्क्रीन पे शो हो रहा आई थिंक. अब हजम नहीं हो रही है ना, जो हक बात सामने आ जाती है ना तो बेचारों को हजम नहीं होती है. क्या करेंगे बेचारे, क्या करेंगे. वो साफ लिखा हुआ है आगा खान का अफेयर था एयर हॉस्टेस के साथ, बीवी ने कोई केस कर दिया. 75 मिलियन यूरोस जो है वो डाइवोर्स सेटलमेंट हुआ. फ्रेंच कोर्ट में ये केस चला था. हाजर इमाम ने ट्राई किया कि शायद ब्रिटिश से मेरी दोस्ती काम आ जाए. उन्होंने केस उठा के ब्रिटिश कोर्ट ले गए तो वहां पर भी बड़ी बुरी तरह ये केस हारे हैं. इनिशियली देखिएगा, इनिशियल सेटलमेंट जो थी डाइवोर्स की थी 8 मिलियन, लेकिन जब आगा खान प्रूव हो गया, ये इंग्लिश में है मैं ट्रांसलेट करके बता रही हूँ जाहिल इस्माइलियों के लिए, तो जब वो प्रूव हो गया 10 मिलियन से वो फौरन ही 75 मिलियन यूरो पे सेटलमेंट चला गया. ये पूरा आर्टिकल है, आर्टिकल भी नहीं है बल्कि न्यूज़ है, और ये सिडनी मॉर्निंग हेराल्ड का पेज है, ऑथेंटिक है. अगर इस पे गलत रिपोर्ट आती अच्छा, ये तो न्यूज़ ये जो न्यूज़ है ये कहाँ पे है? ये जहाँ वही है ना जहाँ आगा खान साहब रहते हैं उसी जगह ये देखें. It found that Aga Khan exclusively at fault for adultery and overturned a lower court award of just 10 million. यानि कि पहले तो सेटलमेंट हुआ था 10 मिलियन का, लेकिन जैसे ही Aga Khan was proven at fault adultery के केस में, adultery की जिना किया, तो इनका क्या बन गया, इनका 75 मिलियन यूरो का चूना लग गया हाजर इमाम को. और लॉयर्स ऑफ द आगा खान डिड नॉट रिटर्न द कॉल्स, नीचे लिखा हुआ सारा कुछ. नहीं तो ये आगा खान इसके ऊपर एक्शन क्यों नहीं लेते, हालांकि ये न्यूज़पेपर वही है जहां आगा खान रहते हैं, राइट? एग्जैक्टली. अगर ये गलत है ये न्यूज, तो इसको आगा खान सू कर सकते हैं ना, कोर्ट में ले आ सकते हैं ना कि तूने ये क्यों लिखा है मेरे बारे में. बहाना क्या बना रहे हैं, बहाना आगा खान ये बना रहे हैं कि मेरी वाइफ ने मेरी स्पिरिचुअल कमिटमेंट को जो है वो समझी नहीं, जबकि बेगम इनकी कह रही है कि मैंने इसको रंगे हाथों पकड़ा है और कोर्ट में प्रूव भी हो गया अडल्ट्री फॉल्ट पे एक्सक्लूसिव, यानी कि ये भी नहीं कि छोटा मोटा, बहुत बड़ा जो है. अच्छा कॉमेंट्स तो आ रहे होंगे, मैं पढ़ नहीं रही थी. एक सिंपल सी बात है ना मेरी बहन, अगर आगा खान सच्चे है तो इसके ऊपर केस कर देवे ना. ये देखें जहालत इनकी, मैंने कहा ना ये जाहिल इस्माइलियस को मुझे ट्रांसलेट करके सुनाना पड़ेगा. जनाब आप कहते हो ये आर्टिकल है, भाईजान ये न्यूज है, न्यूज भी सिडनी हेराल्ड वालों की. आप शायद बाहर मुल्क में नहीं रहते, आपको नहीं पता कि इन न्यूज की कितनी वैल्यू होती है. प्लस अगर आगा खान अपने ही इस्माइली मुरीदों को सू कर सकते हैं, ताजदीन को किया था और जीवा को किया था कि मेरी बुक तुम लोगों ने, मेरे फरमान की बुक तुम लोगों ने शाया क्यों की, वो दोनों को आगा खान ने सू कर लिया, तो आगा खान ने इनको क्यों नहीं सू किया कि तुम लोग फेक रिपोर्ट चला रहे हो. न्यूज़ है, आर्टिकल नहीं है भाई. वही ना, थोड़ा पढ़ा लिखा होता इस्माइली तो समझाने में आसानी होती, जाहिल को समझाना बहुत मुश्किल है. अच्छा ये एक, अगर आप कह रहे ना कि एक आर्टिकल है, यहाँ पे 10 है, मैं आपको दिखा देती टेलीग्राफ वालों की भी. टेलीग्राफ नॉट अ स्मॉल थिंग, बहुत बड़ा होता है. ये डेली मेल पे भी देखिए, डेली मेल ये भी न्यूज का है. ये देखें, सुपर वेल्दी आगा खान फाइनली डाइवोर्सेस हिज वाइफ आफ्टर 10 ईयर लीगल बैटल. 10 साल आगा खान कोर्ट में अपने जूते घिसाते रहे. 10 साल के बाद हाजर इमाम को फाइनली ग्रांट हो गई और उन्होंने 50 मिलियन एंड पेज हर 50 मिलियन यूरोस. देख रहे हो, कहते हैं आर्टिकल है. Race horse owner, Muslim spiritual leader, 77, has divorced second wife. He was married to 50-year-old Princess Gabrielle. अच्छा ये मेरे साइड पे पॉप पॉप्स, इसको बंद करते हैं.
और उसके बाद आगा खान हु ओन्स 100 मिलियन याच इज रूमर्ड टू बी कंसिडरिंग थर्ड मैरिज, तीसरी शादी के इरादे में है। 77 साल की उम्र में इमाम को तीसरी शादी करनी है, लेकिन अभी तक तो खैर हुई नहीं है क्योंकि 80 साल के तो हो चुके। ये 77 ईयर्स की उम्र में इनकी तलाक हो गई थी इनारा के साथ। इनारा ने आगा खान को छोड़ के एक यहूदी आदमी से शादी कर ली है, उसके साथ डेट्स, शादी तो खैर इनका नहीं होती है, वो डेट मार रही है। ये देखिए इसमें भी सेम चीज लिखी है, व्हाइल सम बिलीव ही इज अ डायरेक्ट डिसेंडेंट ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद एंड हाउ मेनी टाइम हिज अडोरिंग फॉलोअर्स गिव हिम द शेयर ऑफ देयर अर्निंग्स। ये इस बेचारे अंग्रेजों को पता चल गया कि इसके फॉलोअर्स अपने बहुत बड़ी अमाउंट जो है वो इनको देते हैं। द डाइवोर्स बैटल हैज सीन बीन अक्यूज्ड ऑफ हैविंग एन अफेयर विद एन एयर होस्टेस। ये दूसरी रिपोर्ट भी यही कहती है कि इसका अफेयर था एयर होस्टेस के साथ। नहीं, इनका एक स्टेटमेंट भी आया था इनारा का कि अगर तुम खान ने जो है ना मुझे पैसे जो मेरा पेमेंट है वो अगर नहीं दिया ना तो मैं इसकी पोल खोल दूंगी। अब ये स्टेटमेंट कहीं है, मुझे देखना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे नुरुला भाई किसने पूछा कि हाजिर इमाम की जो डाइवोर्स वाली आप कहानी सुना रही हैं ये कहानी है, ये फेक है। अभी मैंने दो आर्टिकल से प्रूव कर दिया इनको कि सिडनी और उसके अलावा डेली मेल जो है दोनों में जो है वो रिपोर्ट्स है कि हाजिर इमाम का अफेयर था और हाजिर इमाम ने तलाक दी और इस्माइलियों का दसों जो है वो बेचारे को देना पड़ा। इसके अलावा टेलीग्राफ पेड पेड है, लेकिन इसमें भी ये लिखा हुआ है कि हाजिर इमाम का अफेयर था या एक एयर हॉस्टेस, जर्मन एयर हॉस्टेस के साथ। आगा खान लव अफेयर्स लिखो, उसमें आ जाएंगे सारे। अच्छा वो हु डेट्स हु वाली वेबसाइट जरा लिंक दीजिएगा, मैं दिखाऊं हाजिर इमाम के कितने अफेयर रह चुके हैं। अच्छा ये देखिए इस पे लिखा है इट फाउंड आगा खान एक्सक्लूसिवली एट फॉल्ट फॉर अडल्ट्री। ये इनके गर्लफ्रेंड्स की पिक्चर्स के साथ शो होगा, रिलेशनशिप्स हैं इनके, शादी इनकी खाली दो औरतों से हुई थी, रीटा हेवर्ड जोएन गिनेस। बाकी जो आप नीचे लिस्ट देख रहे हैं ना वो सारी इनकी, जासा गबोर, माथा हयाल, एल्गा, ये सारी जो है ना वो फिल्म एक्ट्रेसेस और बैले डांसर्स, मॉडल्स, ये सब वो औरतें हैं। ये जरा इनकी पिक्चर्स देखिएगा जिससे अली खान ने डेटिंग की है। तो कोई भी आपको मुसलमान नहीं मिलेगी,